I'm
रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, गौ माता की, सनातन धर्म की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय कर। सियावती रामचंद्र महाराज की, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुन कर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। अंगद ने जाकर लंका में अपने बल की दी निशानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। शक्ति चलाई देख राम भी लक्ष्मण को, भर लाए थे आंखों में पानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। शर्मा बराबर से 500 एकड़ पे, रतन शर्मा चंडीगढ़ से 500 एकड़ पे, नरेश महाजन दरवाला से 5100 रुपये, राजेंद्र नागपाल बेंगलौर से 2100 रुपये, यशु गुप्ता कैनेडा से 2100 रुपये भगवान राम की भेंट करते हैं। मैं सभी दानी सज्जनों का श्री रामलीला क्लब चंपा की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। एक जरूरी सूचना सुनिए, हर साल की भांति इस बार कल सोमवार को रामायण का अखंड पाठ मंदिर श्री सीताराम जी महल्लापुर गोटू में सुबह 10 बजे रखा जाएगा। पाठ का भोग मंगलवार सुबह 10 बजे पड़ेगा। इस शुभ अवसर पर सभी नगरवासियों से विनम्र निवेदन है कि वे राम मंदिर गोटू में आकर रामायण का पाठ सुने और प्रभु राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। Thank you.
जानता नहीं मैं भरत अधिराज रावण का राजकुमार हूँ। सहेज किसान की का मजा चढ़ाऊंगा, तेरी बोतल पाकर तुमको कर लगाऊंगा। मूर्ख जवान कुमार अभी दूध का दान टूटा नहीं और अपने को योद्धा जलाता है। हम उनके भेजे आए हैं न जिनके वंश मंदिर है, आगे से हट के प्रणाम करें। क्या रिड़ी बाप के तेरे हैं? उस वीर बाली का पुत्र हूँ जो अपने बल में पक्का था। तू क्या तेरे बाप रावण को 6 माह बगल में रखा था? करता है वो ढोंगी बातें, उससे जो दूध राम का है। ओ मूर्ख आम को खोद, देख सामने अंगद संग्राम को है। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी खोटा है, हम शेरों से भी बढ़कर है, तू गीतर से भी खोटा होता है। क्या तू दूध तो नहीं लड़कों का है जो मन मन मारे फिरते हैं? झूठा है जिनका राजपाट निर्बल दुख मारे फिरते हैं। जिनकी सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका नौकर बनकर बंदर उड़ रहा कहां अंबर में है। ले आए हो सीता जी को साधु बन के चोरी से, तब शूरवीर कहलाते जब लाते बल चोरी से। अब समय हमारा आया है, ठहरो हम तुमको दिखला देंगे। लंका को उलट पलट के सीता जी को ले जाएंगे। हम उनके नौकर हैं जिसने पत्थर तराए पानी में, आने का मार्ग बना डाला तेरी लंका राजधानी में। उनका छोटा सा दूध एक अक्ष कुमार को मार गया, लंका के घर घर आग लगा, रावण को भी ललकार गया। अरे मूर्ख तू तो बातों ही बातों में सब पर चलता जा रहा है, मालूम होता है तेरी मौत आई है तभी तुमने ऐसी बकवास लगाई है। अच्छा और पिता के पुत्र अब बातों में आ गया तो मौत का भाव पूछने लगा, जरा नजदीक आ, तुझे चखो बकवास का नतीजा। मालूम होता है तो मेरे हाथ से आज जिंदा ना जाएगा। शायद भगवान को यही मंजूर है कि तू मेरे हाथों से ही मुक्ति पाएगा। अच्छा हो अच्छा संभाल मेरा बात। Hey,
आज्ञा हो, यदि आज्ञा हो आने दे, तो आने दूं उसको महाराज की सेवा में, उसको महाराज की सेवा में। श्रीमान जी, वही वानर होगा जो भी अभी नगर में आया है, दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है, महाराज दुलारे को इसीलिए जेल भिजवा दे हम, कल प्रातः काली चौरस पे पर चूल्ही पे उसे चढ़ा दे हम। मतिमान आज मतिमंद न बन, मत मत दे हत्यारे का, वो कायर नहीं योद्धा है जो घातक है भाई दुलारे का। मैं मुझे करे स्वागत उसका, आदर से उसे बुलाए हम, ऐसे योद्धा को बस नीति से अपनी और मिलाए हम। द्वारपाल जाओ उस वानर को दरबार में हाजिर करो। किसके नाम से पान गंदी करता है, आज दरबार में कोई तरह से धाप करता है, रावण की जय क्या है, दुश्मनों की जय। बहुत अच्छा, रावण अभी रावण वही रावण के दुश्मनों की जय। ओ मूर्ख, तू कहां से आया है, क्या बेगाम लाया है, अपना नाम बता और काम बता। मैं पता बताऊंगा, नाम जतलाऊंगा तो आपकी रूह थर थर आएगी, जान उड़ जाएगी। जो बात है बोल बोल, सीधे मुंह बोल, आप साफ बता, जोर में आगा लगा। अच्छा तो सुनिए, अंगद नाम है मेरा, राम भक्ति काम है मेरा, वानर सुग्रीव का भेजा हुआ आया हूँ, बाली का लड़का हूँ, और आया हूँ आपको एक नेक मशवरा देने, क्योंकि एक मुद्दत से आपका और हमारा दोस्ताना तालुका चला आ रहा है। अंगद क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही भारत की अग्नि है, तू ही पिता का घातक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट न होता तो होता आज अकाल नहीं, बुद्धि का दोष कहलाने में अति क्या तुझको लाज नहीं। अरे मोरख, अपने मुंह से अपने बाप के कातिल का दोष कहलाते, तुझे लज्जा नहीं आती। आप मुझे निर्दय जलील कुछ भी क्यों ना कहे, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए आपको समझाना अपना फर्ज समझता हूँ, क्योंकि आप और मेरे पिता दोस्त थे। पिता का दोस्त का उपकार होना वाजिब है, जिसमें मुझे मालूम हुआ उन सब के नाती मेरे पिता के साथी संगाती हैं। तपस्या से ब्रह्मा को नीचा दिखाया, इंद्र को त्रिगी का नाच नचाया, उस समय आपकी हालत पर आंसू बहने लगे, दिल वो जिगर कहने लगे, हाय लंकेश, ऐसा प्रतापी राजा अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा को खो रहा है, जाहिर में जग रहा है परंतु वास्तव में सो रहा है। अब मैं चाहे जितना भी पल क्यों ना हो, चाहे जिंदगी अगर क्यों ना हो, मगर जो आपने अपने मस्तक पर तिलक का टीका लगाया है, सीता जगदम्बे को चुराया है, आपकी जान लेकर रहेगा, समुद्र के साथ एक और नौका समुद्र रहेगा। अरे मोरख, अगर भोग का बल पाप न होता वो भी अपने प्राण गंवाता, मैं नीति और धर्म के भीतर रहता हूँ, ये तेरे कठोर वचनों को सहता हूँ, वरना मैं वो कैलाशी को किसने अधीन किया, मैं वो बलि बना जो हट के बर्बाद थी, मैं वो नायल हुए और असुर सभी, कौन है जो डरे नहीं मुझ जैसे बलवान थे, डर को हैरान किया या फेरी काम लिया, अब क्या मैं डर जाऊं तो बालक नंदवान से। मारे हैं जिसने रणवीर सूर वीर पहलवान, हारे हैं जिसके प्रचंड धनुष बाण से,
न्याय है जो जग में राम जिगर जान से, प्यारे हैं जो जग में राम जिगर जान से, पार बम पूर परमेश्वर को पुरुषोत्तम का जिसको आकार कहे आलम प्राण से, ऐसे रघुवीर को ना पाप ना तबा कहो रामचंद्र का प्रताप सुना नहीं कान से। एक छोटा सा बच्चा फिर नारी का दुख सहता है, उसके डर से भाई उसका हर समय दुखी है रहता। मूली गाजर है भालू लक्ष नहीं तो ब्रेक नदी तक का, जिस जावा पर पर फूले हो चौथा मन है उसका भटका। नल और नील शिल्पी को रे सीखे ना जुग में आना वो भाई मेरा है भक्त मिला क्या जाने हर उठाना वो कुछ है तुम सब में वो है जो आकर हमका जला गया, कुछ देर से जब उसकी चली तो दुबके से वो चला गया। फिर कहना एक बार ये तूने कैसा कथन किया, क्या सचमुच ही उस छोटे से बानर ने लंका दहन किया। आ गया ध्यान मुझको जो चाचा जी ने चलते समय कर्तव्य चार समझाए थे, पहले जाते ही लंका में माता सीता की सुध लेना, फिर सारे लंका को ढाके समुद्र के बीच डब बहा देना, तीसरी बात श्री राम पास तू सीता जी को ले आना, चौथा रावण को बांध के तू अपने पास ले आना। ये आज इस समय प्रकट हुआ कुछ काज ना वो कर पाया है, कुछ पता नहीं किस तरफ गया बह गया रावण, जो तुम्हें करता है वो है ही नहीं रामादल में। अंगद का तुझको खबर नहीं, मैं कभी एक मत बाता हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं वो नार बिक बाता हूँ। मेरे बड़ी पंजाब ने कलाज बहुत उठाया है, धानो धाओ एन कुबे मेरे बानो से थर थर आया है, सूरज भी मेरे इशारे से पूरब से पश्चिम को जाता है, इच्छा से मेरी पवन ने ठिकुरता है गर्माता है। साहब पंडित मोसा योद्धा देव बनने और न दूजा कोई, अपने शिष्यों को काट का शंकर को मैंने पूजा है। कहते हैं जिसको कर्मशील वो करता है कहता कब है, ये तो मजदूर कहावत है, जो गर्जा है वो वर्षा कब है। क्या कहा आपने शीश काट शिव जी को भेज चढ़ाए हैं, बाजीगर काटे अंग अंग पर योद्धा नहीं कहलाया है। जग नहीं श्री राम जी के हाथ से ये काम हो, तेरा सर कटे और आगे रामचंद्र जी का ही नाम हो। मगर ये तो बताइए, एक रावण वो था जो एक बुढ़िया पर आपत लाया, उस बुढ़िया ने पांव पकड़ उसे बेतार पहुंचाया। एक रावण बचपन में जब बाली पर आया, बाली ने उसे अपनी बगल मार दिलाया। एक रावण अभिमानी राजा बलि से लड़ने आया, बलि ने उसे उल्टा लड़का उसके सिर दीप जलाया। इन तीनों में तुम कौन हो, शर्माते क्यों हो, घबराते क्यों हो, मुंह क्यों उतरा जाता है, घबराते क्यों हो। मर्यादा के भीतर नहीं रहे, अधिकार न राज बनाने का वासी तेरा काम नहीं, आचार्य पर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू मेरा पर जाओ खुल को क्यों आया यहाँ सदाई है। अगर दोनों और संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाटवाट रस्ते शमशान नहीं होंगे, वरना बहुएं विधवा होंगी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों माता और पुत्र रो रो
नब्बे लाएंगे। तो कायरों डरपोक है, वो संदी संदेश बिठाते हैं, बच्चे गोदा थर देते हैं, सर को नहीं झुकाते हैं। अब मैंने ये ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब तू राजसभा से निकलेगा तब तुझको मरवा डालूंगा। पापों ने अंधा किया, अंतिम में आने वाला है तो चार दिनों में हो राक्षस, तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में मेरे पिता से मिलना, तब मेरी कुशल बता देना। सुग्रीव राज का सुंदर वन हनुमत का कार्य बता देना। श्री कुंभकर्ण और मेघनाथ को ओ जाने वाले देता जा। जाके रणवास में ये बात कर, मूर्ख निशाचर मंदमती हो जाएगा तू कौन कौन तेरे साथ सती। ये पद पर तू बोल रहा है वो विमान दिन का थोड़ा है, वो पत्नी कल का बालक बस बुद्धि ध्यान में कोरा है। उन्हीं बाप ने जब जाना तब देश निकाला लिया उसे, कुछ लोकम घात खोने का तो सीता ने गम दिया उसे। मेरी लंका के राक्षस सब मानव पक्षी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक रात कट जाते हैं। जिस परशुराम ने कई बार धरती से शस्त्र मिटाए हैं, शस्त्र बाहुओं की शस्त्र पूजा बसे की भेंट चढ़ाए हैं, ऐसे योद्धा भी हार गए चरण पकड़ रघुराई के। उनको साधारण नर कहना यही दर्शन है डिंगाई के। कल से बात कर, होश तेरी हमाकत है, ऐसे जो करने की भला उनमें क्या ताकत है। ना कर इतने तकबर, ये तो एक रोज आनी है, तेरे से ऐसे गुजरे ना बाकी कुछ निशानी है। अरे हद दूर हो, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं, बेटे पे बच्चे तो आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद आप अपने बगैर अब तो कल मार गया के बुढ़ापे ने। ये क्या पक पक लगाई है, जिंदे अक्कल ने अक्कल भी तुझको पत्थक लाई है। अगर आपकी तो क्या था, अकल का ही तो रोना है, तो इस अकल तो ही लंका को राख होना है। एक शराब जिस कुल में दादा तेरे जैसा लाल हो, बाप के कातिल का आखिर जो दलाल हो, यानी आप जिसको अपने कुल की मर्यादा की शर्म ना हो, वो ऐसा कुल कर दुनिया में क्यों करना बेमान हो। स्त्री के वास्ते भाई किसने जान ली, देख भैया ने भी उनकी सेवा ठान ली। अब तो मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ, वक्त है अब भी समझ जो मौत का चेता हुआ। तेरी बातों से ही तेरा क्या बेफायदा हुआ, क्या भविष्य आपके ही कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी। नहीं ताकत थी अगर तुझमें तो मेरे पास चलाता, मैं तेरे बाप के कातिल का बदला उसी दम लेकर दिखलाता। पीछे से फिकर कर मुझे बदला दिलवाने की, पहले कोई तस्वीर कर अपनी जान बचाने की। जो किताब तेरे खातिर है, ठीक है तुझका दांत हुआ है मित्र बाप का जो तेरे, वरना तुझको विश्वास हुआ। ये तो मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति बन जाए, फिर बड़े भाग्य लंका का सेनापति की जो जरूरत हो, रामा दल में लाखों है, 10-20 नहीं सैकड़ों सेनापति बनने के काबिल है। मगर शायद ही कोई सरकार करे इस मेले कहने को, स्त्रियां चुरा जाए उस स्थान में रहने को। अलबत्ता एक भीषण ही आ सकता है राज्य की, तो क्या गिनती वो दर्ज पीछे आ सकता है।
भाई की तरह पालते हैं, इतने ही से निर्भीकर लंकेश बना डालते हैं। आप दलक बगी से निश्चय उद्यमी शोभा पाएगा, एक दिन से देन कर वो पृथ्वी ये प्राण बात कहलाएगा। धन से तो कोई भी प्राणी अतुलना जाना जाता है, अचरणों से ही देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है, वास्तव में जाता जो नहीं उनकी शरण, वास्तव में वही निश्चर है। इसलिए त्याग वैभव सीता उनके अर्पण कीजिए, रघुराज से करिए संधि, उज्जवल अपना मन कीजिए। यदि संधि ही चाहते हैं तो मुझोर मुझे इन शब्दों पर पहले देख भविष्य को फिर हरे तेरे चरणों पर फिर तोड़े सिंधु समुद्र का तुझको नजर सलामी में और हनुमान के हाथ पार कर देवे मेरी गुलामी में फिर दांतों में दिन का दबाए शरणागत हो इन बातों की कर थोड़े तेरे राम लखन और इच्छा मांगे प्राणों की। बस यही है, ये तो सबसे मामूली है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये सब बातें मामूली है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी देंगे और मार्ग भीषण आपका है, हम उसे यहाँ बिठा देंगे। जितनी हानियां हुई है अब तक हम सब उनको भर देंगे, मगर एक हुई है महानि वो किस तरह भर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब सूप नखा की कड़ी नाक वो किस तरह जोड़ी जाएगी। अरे गुस्ताख, बात सुधार कर बोल, अगर ज्यादा बात उठाएगा तो मजबूर तलवार के धार उतारा जाएगा। राम स्वामी राम बड़ा भादर और दलेर है, मैंने एक स्त्री पर हाथ उठाया वो बेचरा चली का पर कान उठाया, मगर उसके मुंह में नाक थी कहा, अगर उसके मुंह में नाक होती तो इस तरह प्राय पुरुषों के करेगा हार ना होती। इसमें उसका कोई दोष नहीं, ये उसके सर में आई और उसने अपने किए की सजा पाई। वो अभिमानी तू भगवान श्री राम को मामूली इंसान समझ रहा है, ये तेरी भूल है। पशु समान काम धेनु पानी गंगा चल को जाने, है शोक वृक्ष कल्प का तू एक कोरा वृक्ष जाने। क्या काम का ध्रुव साधारण सर्वत भी अमृत होता है, दान अन्न का मामूली तू किस गर्भवत में सोता है। नहीं एक सर्प कोरा चिंता मणि को पत्थर जाने, क्या स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक को नहीं समझ सका दीवाने। अरे पक्ष पाती एक मानक पिंडे पवित्र अंतर आया, मेरा जब क्या दबदबा किसी काम ना आया और उसी का गीत गाया। उत्तर बालक तुझे खबर नहीं, लगा दो आज की जगह निगाह करके दम फेरू, जो मैं चाहूं तो किस्मत पे लिखे पर कलम फेरू। बहुत तो बांधे तोड़ दू फलक के सब सितारों को, निकाली अभी लहरों से शोरों और सितारों से, जमीन पे काट के रख दो दरख्तों और पहाड़ों को, कहकर चेन के दिखा दो लोहे के खंभे और दीवारों को। कूद के मैदान में आ जा, अगर अभिमान है देखा जाए कौन दोनों में अधिक बलवान है, मेरे सीने में मेरे बाजुओं में कितनी जान है। फिर कहते हैं किसे वीरता की क्या शान है, जाता है खैर अगर तू हाथ डाल दूर हो सामने से मेरी मौका फूर हो, नाम तेरे खून से तारिया जम्बी हो जाएगी, बात ही तेरे
तेरी ये वीरता खो जाएगी। हो यह बलबूता क्या करूं, दूध बन के आया हूं। वरना मुगल तो मुंदर से की कौतक पर भर में ले जाता, अभी मंदोदरी के साथ सीता चित को ले जाता। पकड़ टंगली जान को पकड़, एक बार मैं को देश बनने को लाओ, लोहे की नाखें गर्म करो और इसके दस पे लगाओ। अगर तुम में कोई बलवान है तो आए अपना बल दिखाए, मेरा पाँव हिलाए। तेरी सभा में पाँव मेरा, दिल भर भी कोई तार गया। रामचंद्र जी फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। महाराज ये तो भाई अंधा दाम है, ये जो छोटा सा बालक है ये इसको डाल देगा तो बालक फंसी गया। इलाहाबाद की तरह भोंबी किसी कपड़े को फटकारे।
चलूंगा जिस जमीन पर उसे का भूचाल आएगा, जमीन तो एक तरफ आसमान भी काम जाएगा। मुझे संकार हूं मैं, क्या तू मेरी ताल आएगा? भस्म हो जाएगा जो नजर मुझसे मिलाएगा, उसके तो एक झपके में यही चक्कर खिला दूंगा। ये पाव है क्या, इतनी जमीन भी उखाड़ लूंगा। महाराज यही बोलते सही है, बड़ा मार था महाराज, बड़ा मारेगा महाराज। लगाया जोर मैंने तन से मन तक, जमीन पकड़ी है या कीले सड़ी है जमीन के पत्थर। मैं भी तो देखूं किसमें ताव है का, खड़ा है सामने तू पहले जबके छोटा ना पाव जमीन से कुछ मैं ही तो रख दूंगा मैं आज पलट के। क्या भला होगा तेरा मेरे कदमों को चूमकर, कर चाहता है जमा तो कदम क्यों ब्राह्मण के? बेअदब बदबू बड़ा है तुम पंजे के काल में, मुझे वतन निकाल जरा दम संभाल के, ना तेरे खून से तारीय जमी हो जाएगी, साथ ही तेरे तेरी ये वीरता सो जाएगी। काल कहा संदेश का उत्तर पाके भवित हो जाएगा। फरमाइए बताइए क्या जवाब है? जाओ और कह दो कि सीताप धाम की खाली के घर कभी नहीं जाएगी, अपने सुंदरता के दीपक से मेरे ही राज मंदिर में जगमगाएगी। तो याद रखना वही रूपमती सीता तेरे मन मंदिर को जाएगी और उसी भिखारी के पास चली जाएगी। बस ज्यादा बकबक ना कर, ही में आता है विवेक तोड़ दो, मेरी गर्दन मरोड़ दो और सीता का मिलना बहुत सदैव भंग है। हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है, तदबीर से किस्मत की बुराई नहीं जाती, बिगड़ी हुई तकदीर मिटाई नहीं जाती। जय बुलंदर की पुत्र वधु स्वर्गीय कुलदीप महाजन की याद में 500 रुपए भगवान राम की भेंट करते हैं आपको। मैं कुलदीप महाजन जी के बारे में दो शब्द कहूंगा। कुलदीप महाजन जी हमारे क्लब के वरिष्ठ कलाकार और सदस्य थे जो लगातार कई वर्षों तक इस मंच पर हनुमान जी का पाठ किया करते थे। आज रामलीला क्लब आ रहा हूँ, सभी सदस्यों की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की। स्वर्गीय सूर की याद में भगवान राम की कृपा, इनका नाम पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, अपनी माता जी की याद में क्लब को नाम देते हैं। मैं शिव कुमार मेहरा जी का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे भूतपूर्व विधायक सदर विधायक पवन नैयर जी और उनकी धर्मपत्नी नीलम नैयर जी रामलीला का मंचन देखने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। मैं अपने रामलीला के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करूँगा कि कृपया आपको मंच पर लेके आए। श्री नैयर जी हनुमान की, गौ माता की, सनातन धर्म की। अब मैं राकेश सह जी को मंच पर मंत्रित करता हूँ कि वे श्रीमती नीलम नैयर जी को पटका पहनाकर सम्मानित करें।
बोल सियापति रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान यार पे मैसर अग्रवाल जी ला 21,000 रुपए सतनाम जी ला 2100 रुपए बलदेव जी ला 1100 रुपए राजेश जी ला 3100 रुपए गोगना जी ला 1100 रुपए पुष्प जी ला 2100 रुपए त्रिलोक स्वीट 501 रुपया भगवान राम की भेंट करते हैं। मैं सभी दानी सज्जनों का क्लब की तरफ से हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से बोलिए बोल सियापति रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की गौ माता की सनातन धर्म की। चिरंजीव रहो, कहो क्या खबर लाए हो? महाराज मैं रावण के पास हो आया, बात खो आया। रावण किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं। अच्छी सलाह क्या है? अच्छी सलाह क्या है? वो कुछ जानता नहीं, वो कुछ खो पाप से करता नहीं। बेहया सीता वो देगा तब उसकी जब मिलेगी उसको उसकी सजा। क्या उसने तुम्हारी बात मिटाली, कानों की रोई ना निकाली? वो सीधे मुंह बात तक नहीं करता, बगैर लड़ाई की सूरत नहीं करता। वो कहता है या राम का सर होगा या मेरी मूरत होगी। उसकी तकदीर अगर रात पे आई होती, बात लंकेश के ध्यान में आई होती, बहुत ही खूब था जो सुला सफाई होती, बात यूं ना बनती हरगिज लड़ाई होती। बस एक काम ना चले, लड़ाई कीजिए, लंका के चारों तरफ लड़ाई कीजिए। अगर ईश्वर को लंका का खून बहाना ही मंजूर है तो हमारी फौज मजबूर है। क्यों मित्र सुग्रीव, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज हमारी फौज युद्ध के लिए तैयार है। मैं तो अपनी तरफ से ऐलाने जंग कर आया। ऐसा है तो जाओ शत्रुओं को मारकर फतेह का डंका बजाओ। असुरों का रक्त बनता है, अपना ही नाश कराने को क्षत्रिय की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का हार घटाने को इस आर्य देश की सीता हर। रावण भी चैन ना पाएगा, कुल सहित करूंगा नष्ट से मुझे भी चैन ना आएगा। क्या करके हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरो, चंका हटाओ डंका बजाओ, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कुछ ये भी मालूम है कि आज फौज की कमान किसके हाथ में है? महाराज आज के युग में रावण की सेना का सेनापति एक नाम है जो बड़ा बलवान है और रावण को उसकी वीरता पर अभिमान है। देवराज इंद्र को जीतना उसी का काम है। लंका के शूरवीरों में उसका प्रथम नाम है। तो कुछ चिंता नहीं, उसकी मिजाज कुर्सी मैं खुद करूंगा।
इस दास के होते हुए आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं और मेघनाथ मेरे हाथ से बच जाए कोई सूरत नहीं। माना कि इंद्रजीत ने कई मैदान मारे हैं इसलिए उसके मुकाबले पे मुझे ही भेजा जाए ताकि अपनी बहादुरी का सिक्का उन लोगों के दिलों में बिठाया जाए। भाई तुम नादान हो, तजुर्बेकारों के सामने अनजान हो। इसके अलावा वो शक्तिवान का खास तौर पर माहिर है, बहुत ही दिलावर है, इसलिए उसके मुकाबले पर मैं खुद जाऊंगा और तुम्हारा ख्याल पूरा कर दिखाऊंगा। प्रभु वाकई में इतना बड़ा दिलावर है, परंतु लक्ष्मण जी का हम बहादुर है, फिर उनके साथ ये जान निसार है और जरूरत पड़ने पर जान देने के लिए तैयार है, इसलिए आप चिंता ना कीजिए और खुशी से आगे दीजिए। अच्छा, आपके भरोसे पर लक्ष्मण को भिजवाता हूँ और खास तौर पर ध्यान दिलाता हूँ कि होशियार रहना, खबरदार रहना। यद्यपि तुम्हें ऐसे तजुर्बेकारों के सामने बेचते हुए डरता हूँ, परंतु तुम्हारी जिद और हनुमान जी के भरोसे पर तुम्हें जाने की आज्ञा देता। अच्छा तो महाराज आगे जय श्री राम। बच्चे भी हुआ रंग का तैयार।
Thank you.
क्या करूं भाई, बनवास मिला था जब मुझको, तब उमर उठा था भाई, तू भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई तू भाई मैंने तो माँ की आज्ञा से वन में फिरने की ठानी थी, पर तूने तो भ्रातृभाव से बहनों को ठोकर मारी थी सेवक भी था रक्षक भी था पालक भी यही भ्राता था, खाने को फल पीने को जल सब समय बलों से लाता था आदर्श आदर्श बना जो औरों को मिल सकता ऐसा भ्रात कहा, इस दुनिया तू ही बतला दे देखा है ऐसा भ्रात कहा भाई उठो भाई उठो, मैं पुकारता हूँ तारे माँ को और तुम बोलते नहीं बोलते मुझको लक्ष्मण तेरा बिछोड़ा है मार गया, मुझको लक्ष्मण तेरा बिछोड़ा है मार गया, बाजी जीवन की तेरा राम आज हार गया, मुझको लक्ष्मण तेरा बिछोड़ा तू जो रोटा है तो संसार सभी
मुझको लक्ष्मण तेरा बिछोड़ा है। मार गया बाजी जीवन की तेरा राम आज हार गया। मुझको लक्ष्मण तेरा बिछोड़ा है। मार गया मुझको लक्ष्मण तेरा बिछोड़ा। महाराज जरा तबीयत संभालिए, हम इनका शीघ्र ही इलाज कराएंगे और लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। मित्र, आपने अपनी मित्रता को पूर्ण किया, दुख दर्द में साथ दिया, मगर तकदीर के आगे तदबीर की पेश नहीं चलती। लक्ष्मण से प्यारे भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर प्रभु शक्ति ने छोड़ दे, आ जा मेरे सीने पर। ये छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले से पीछे चुकना मुझको समापन करना पहले। या ये इच्छा है एक साथ दोनों के प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक रगत एक ही पिता पर चल जाए। हाँ भाई ये रुकाई, मैं पुकारता हूँ दहाड़े मारता हूँ और तुम मुंह से नहीं बोलते, आँख तक नहीं खोलते। या तो पसीने के बदले खून बहाते थे, अब खून पैदा देख कर भी दिल नहीं पिघलता। तुम तो कहते थे सेवा को दया के हरदम भाई है, अब जब सेवा का मौका आया तब तुमको निंद्रा आई है। भाई उठो, मैं क्या करूं। भाई कुछ तो बोलो, फिर अपनी आंख तो खोलो। भाई सेवा जो है युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है, मैंने जो प्रतिज्ञा कर डाली वो पूरा तुम्हें कराना है। इस भारत देश की सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है, फिर उसको अपने साथ ले जाकर माताओं को मुख दिखलाना है। अब सोच नहीं सीता की, दुख नहीं तुम्हारे जाने का,
संकोच नहीं इस वेदा में अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो बस ये पकड़ी है पांव भीषण की। भाई उठकर पार लगा दो नैया रघुकुल के प्रण की। Okay.
की लाश की चिंता कीजिए, मेरी चिंता ना कीजिए। लंकापति जी, इस वचन को पूरा करने के लिए लक्ष्मण तो क्या, यदि सारे परिवार की आहुति भी देनी पड़े तो भी दूंगा, किंतु वचन से कभी ना फिरूंगा। मगर मिल जाते हैं इस संसार में सूत मित्र हजार, लेकिन लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा? माँ पूछेगी जब लखन कहा तो क्या कहकर समझाऊंगा? तब बतलाओ लक्ष्मण भैया, कैसे ना जलेगा जगत वहां? बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुघ्न और श्री भरत वहां? तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता या नए से भ्राता मरते उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण सजो भैया, वरना सबके जीने के लिए जल्दी से यहां उठो भैया। चिंता ना करें, ये होश में आ जाएंगे। कहाँ होश में आ जाएंगे, ये तो परलोक चले जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा? साथ मुझको भी ले चल की बुराई क्या है? तेरे बिन जान की क्या और लड़ाई क्या है? अभी बंद जाए टूटी हुई हिम्मत मेरी, बोल इतना ही कि भाई क्या है? जनक नंदिनी जब सुनेगी तो सिर धुनेगी, न उनकी न मेरी जान की खैर होगी, दोनों की हालत गैर होगी। वो दम तोड़ेगी चोला छोड़ेगी, फिर मैं भी अंगूठी का हीरा चबा लूंगा या फिर कहर खा लूंगा। लंकापति जी, बड़ी खराब बात हुई, अब क्या किया जाए? क्योंकि रात हुई, रामचंद्र जी इस समय बहुत दुखी हैं, उन्हें अभी से प्राण दे, जब लक्ष्मण जी होंगे तब राम जी होंगे और आपके भी काम होंगे। अब समय ना खोना चाहिए, कुछ इलाज होना चाहिए, किसी वैद्य को बुलवाइए और इनका उपचार करवाइए। मैं भी इसी चिंता में हूँ, मजबूरी है कि मैं लंका में नहीं जा सकता, बैग को नहीं ला सकता, जाओ तो जान गवा। रावण अभी हड्डी चूर करते, यदि कोई लंका के गरीब कुचों से वाकिफ हो तो वो वहां जाए, वहां सुखैन नाम बैग जब बड़ा बलवान है, संग लो उसका के हाथों काम, वो अब आए और इनको उठाकर पिटाए। और क्या फरमाते हैं, जरा सी बात के लिए घबराते हैं? मेरे होते हुए क्या मजा कि लक्ष्मण जी का बाप भी बनता हूं। मैं अभी जाता हूं और मैं जी को ले आता हूं। मगर क्या
इस तरह लड़ने पर, जिसमें ये पुण्य कमाया है। लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी हेतु गवाया है। पंद्रह वाले का लाल खून काला जो होता जाता है, वो मेरी ही कन्नी के काले पन को दर्शाता है। दुनिया दुनिया देखेगी कि लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, मगर राम मरा कायरता से अपने ही भीतर के रंग से। लंके चाहे मैं तीनों लोगों के चक्कर लगाऊं, आकाश और पाताल में फिराऊं, अग्नि और पवन में समा जाऊं, तो भी ऐसा आज्ञाकारी और सुशील भाई ना पाऊं। ये संदेह के बाद राधा का बड़ा सहारा होता है। भाई भाई भी वो भाई कमीज से सन्ना उठाया, फिर मेरे पसीने की जगह अपना खून बहाया। माँ बाप सजा साथ पन में आया, एक पल भी मेरे साथ इसने ना आराम पाया। दुख दर्द में अपना सहाय नहीं होता, सब मिलते हैं पर भाई और मां नहीं मिलता। मेरे भैया तेरे बिन सोना जहाँ है, मेरे भैया तेरे बिन सोना जहाँ है, किसे आवाज दूँ के तू कहाँ है। मेरे भैया तेरे बिन सोना जहाँ है, see
कह दो मेरे भैया तेरे बिन सोना जहाँ है किसे आवाज दूखे तू कहाँ है मेरे भैया पीछे से पिता का मरण हुआ
की खातिर भरत छूटा, सीता प्यारी का भी हरण हुआ। उस सच्चे धर्म भजन लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, परंतु स्वाद यही कहेगी हाय धर्मनाथ जाने पाए। प्रभु सचमुच और भगवान अवतार हो, मैं जब जब पाकर धन्य हुआ, मेरा क्या जीवन क्या शरीर। इन शब्दों से अचक हुआ, धर्म की बात कही, केवल इस समय वरना ये दास तो आया है करने ही आपका कार्य को। जी जल्दी कीजिए, भाई लक्ष्मण की दवा कीजिए, क्योंकि जख्म बहुत गहरा। तो जान नहीं बच सकती है।
हे बाबू, अब सूर्यवंश की लाज तुम्हारे हाथों में है। तुमने सुग्रीव की रक्षा की, पांडवों को तुमने तारा है, बाण के अशोक में तुमने ही सीता का प्राण उभारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में राघु को पूर्ण सुखी करना, के तरह तुम्हारा दीदी रहा, इसको आज फिर से दीदी करना। अच्छा तो महाराज आज्ञा दीजिए। इस वर्ष भी सोमवार को सुबह 10 बजे बनगोटो मंदिर में श्री रामायण चरितमानस का पाठ शुरू होगा और मंगलवार को सुबह 10 बजे रामचरितमानस पाठ का भोग चलेगा। अतः सभी नगरवासियों से विनम्र निवेदन है कि वे राम मंदिर बनगोटो में पहुंचकर रामचरितमानस का पाठ का अवश्य मनन कीजिए। एक सूल 100 रुपया भगवान राम की भेंट करते हैं। मैं सभी दानी सज्जनों का क्लब की तरफ से हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। मम्मी याद आ रही,
जय रावण
कुशल तो है। आधी रात के वक्त होकर खाना क्या कुशलता की निशानी है? मैं तो पहले ही समझ गया, दाग में कुछ जरूर काला है। कहिए महाराज क्या मामला है? उसे जितना बस चलेगा कम ना करूंगा महाराज। तुम जानते हो युद्ध हो रहा है, बड़ी मुश्किल से लक्ष्मण को चित कर पाए हैं, उसी के दम तक लड़ाई है, दम अजमाई है, बात तक की बात है। हनुमान द्रोणागिरी पर बूटी लेने के लिए गया है, तुम उसको रास्ते में रोको, सुबह तक वो वापस ही आने न पाए। अब तक लक्ष्मण में जान हो जाएगा, राम उसके वियोग में रोक रोक कर अपने प्राण गवाएगा, अपनी बात रह जाएगी, मरने में खाक रह जाएगी। ऐसा है तो आप अपने इष्ट देव को धरिए, उल्टी माला फेरिए। ऐसे करने से कुछ नहीं हो सकता। राहु हनुमान का जो लंका में आकर कैद को लेके चला गया, अब फूटी लाने के लिए गया है। इसलिए तुम रास्ते में ऐसी माया रचाओ कि हनुमान कुछ भी जान ना पाए, फूटी पहचानने ना पाए, फूटी हाथ में भी आ जाए तो वो कोरा ही चला आए। सूरज चढ़ने तक हनुमान बूटी लाने ही ना पाए, तब तक उसका मार्ग रोको जब तक लक्ष्मण मर ना जाए। जिस हनुमान ने लंका को दिया हो वो अपना धाया है, हनुमान को रोक सके वो वीर कहाँ आया है? चाहो भलाई तो सीता को लौटाओ, तो सीता को लौटा दो। श्री राम नाम कहते कहते, श्री राम कहते कहते शरण उनकी चले जाए। लक्ष्मण तो जिंदा रहेगा या ना रहेगा ये निश्चय है, तू मेरे हाथ से मरेगा। रास्ता रोकता है या अपने प्राण गंवाता है? अच्छा आप जाइए महाराज। ज्यादा क्या कहूँ, समझ लीजिए मैं वहाँ ही हूँ। पूरी तरह से उसे बताना। जाओ राम कीजिए।
भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम से क्या काम। मगर ये तो बताइए कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया और सब हाल कैसे जान लिया। ये तो सब राम जी की कृपा है। जाइए इस बावली पर स्नान कीजिए, जल पीजिए, यदि इच्छा हो तो स्नान करके सो भी जाइए, विश्राम करिए। उद्धार हो गया आज ही मेरा, दर्शन ही आपका पा करके सब श्राप आपकी कृपा से दूर हो गया। अब आ कर यहाँ करके इस कुटिया में कपटी साधु मक्कार कपट की खान है ये, वो बन का बेटा है साधु, पक्का पापी शैतान है ये। महाराज आप इसे महात्मा ना जानिए, रंगा हुआ गीदर पहचानिए, ये रावण का भेजा हुआ काल नीम नामी राक्षस आपको फंसाने और रात भर भटकाने के लिए आया है। ये सब इसी की माया है, इसको ठिकाने लगाइए और अपना काम करके वापिस चले जाइए। ऋषिराज बावली में स्नान और जलपान से मेरा मन अति प्रसन्न हो गया है, इसलिए अब मेरी ये इच्छा है कि मैं आपको सदा के लिए प्रसन्न कर दूं।
दिखाई दी। कोई उपद्रवी तो नहीं, श्री रामचंद्र जी का शत्रु तो नहीं, मैं क्यों ना इसको तीर मारकर गिरा दूं, नीचे गिरा दूं। किलकारी मारता है, किलकारी मारता है, ना जाने क्या बिगाड़ता है। खबरदार, धनुष बाण संभालता हूँ, अभी तेरी जान निकालता हूँ। हाय रघुराई, दुहाई मार डाला, मुझे क्षमा करना, अब मुझे क्षमा करना। इस हाल में वहां पहुंचने की मुझे वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण जी, दवा ना खाएंगे तो कैसे आराम पाएंगे, इस महामंत्र की बार बार आवाज लगाई है किसने, मेरे रग रग में, नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने, किसने ये नाम पुकारा है। वो सचमुच है उनके प्यारों में, आशा इस पुकार में थी, वो नहीं थी अनेक पुकारों में। हैं बहुत धोखा खाया, मैंने तो श्री रामचंद्र जी के भक्त को ही मार गिराया। क्यों भाई, आप कौन हैं, किधर से आए हो और किधर जा रहे हो, जल्दी से समाचार कहिए। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दास हूँ, आजकल उन्हीं के पास हूँ। हनुमान नाम है, राम भक्ति से काम है, रावण के लड़के मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा जिससे लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, उनके लिए संजीवनी दरकार है, इसी पर उनकी जिंदगी का तारो मदार है। सवेरा हुआ और रघुवंश की दुनिया में अंधेरा हुआ, इधर आपने बाण मारकर टांग जाहिर कर दी, ताकत जाहिर कर दी। भाई बड़ भागी है लक्ष्मण, जो लिपटा उनके चरणों में है, चरणों में ही अब तक दिया, अब मरता उन्हीं चरणों में है। भरत अभागा, जो अब तक प्रभु के कुछ काम ना आया है, खाने सोने में ही उसने अपना सब जीवन बिताया है। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण से भाग्य दिया होता, वरना इस भाग्य के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। भाई रामचंद्र जी को कष्ट, लक्ष्मण जी का यह हाल, अफसोस मुझसे कोई बदनसीब नहीं जो चरणों के करीब नहीं। श्री रामचंद्र जी ने भी मेरा प्यार भुला दिया और चरणों में साथ रहने की आज्ञा ना दी। ये अफसोस फिर कीजिएगा, जी भरकर चरणों को याद कीजिएगा। मेरा महाराज पहुंचना बहुत जरूरी है और जाना भी बहुत दूर है, कुछ उपाय बताइए। किसी तरह सवेरे से पहले लश्कर को पहुंचाइए। हनुमान जी, मैं स्वयं चलता, तल में आंखों से मलता, परंतु क्या करूं, प्रतिज्ञा ने पांव में बेड़िया पहनाई है, नंदीग्राम ना छोड़ने की आज्ञा खाई है। जब तक आज्ञा ना पाओ, खड़ावे छोड़कर कैसे जाओ, वरना अभी जाकर रावण का सर फोड़ देता और जिंदा ना छोड़ता। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है, मंजिल है दूर, दे जख्मी आसान नहीं राह पकड़ना है। चढ़ जाओ मेरे बाद पर तुम, मुश्किल को सरल बना दूंगा मैं, राम कृपा से रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी सही पहुंचा दूंगा। ये धर्म मुहूर्त महाराज, बाण को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है, भगवान श्री रामचंद्र जी के दासों को बड़ा कुछ हो सकता है, कहीं
उनका भी नसीबा सो सकता है। महाराज बार बार आपकी बढ़ाई किया करते थे, मुझे भी इन चरणों के दर्शनों की आस थी। बड़बाजी हो चरण कमलों के समीप हुआ, फल देखना नसीब हुआ, भक्ति भी देखी शक्ति भी देखी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, जैसे ही मैंने बूटी पहुंचाई तो लक्ष्मण जी ने जान पाई। न जाने उस द्रोणागिरी तक पहुंचा ही न सका
हो कबीराई हो, डूबा हो कई रावे इस हार से लज्जा खाई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है तो विधाता तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। बेटा बेटा बेटी भाभी सब स्वागत के बीच भाई से भाई करता सदा सच्ची प्रीत। मित्र जू जू रात कटती जाती है भय और निराशा से मेरी छाती फटती जाती है। तमाम जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हुआ जाता है। अगर अगर संजीवनी पहुंचने से पहले सवेरा हुआ तो मेरे वास्ते सारे विषम में अंधेरा हुआ। भाई अपनी माता की अकेली कमाई जरा तो बोलो जरा तो आंखें खोलो। साथ जन्मा साथ खेला साथ ब्याहा और साथ मन में आया अब साथ छोड़ दिया प्रेम का धागा तोड़ दिया। जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से क्या लाभ। बंधुवर तुम सबसे विदा होता है ये लाभ। अपने अपने एहसानों के घटकों और आज भरते जाना आखिरी वसीयत रघु की इस तरह पूरी करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई एक ही वक्त में दोनों को निपटा देना भाई। यदि किताब बनाना मुश्किल हो तो चल मैं कहीं बहा देना सागर की ठंडी लहरों में दोनों को एक साथ बहा देना। महाराज जरा तबीयत संभालिए और ऐसे निकम्मे विचार अपने दिल से निकालिए। अव्वल तो ईश्वर की कृपा से लक्ष्मण जी शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। यदि दुश्मन को यह मालूम हो गया कि आपका दिल गुर्दा है तो विजय का मुख देखना असंभव होगा। और दूसरा इतना क्या अंधेर है सवेर होने में काफी देर है। वो देखिए महाराज हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान जी आ रहे हैं। हाँ महाराज हनुमान जी। हनुमान जी हनुमान जी आ रहे जय श्री राम। वो देखिए महाराज हनुमान जी आ रहे हैं। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स
हनुमान धन्य हो, धन्य हो, धन्य के दिनंदन तुम धन्य हो। किस मुंह से हनुमान धन्यवाद तेरे बढ़ता सरपत दाते पहाड़ को आज हो गया हरता। तू प्राण छुआ आज से मेरा, मेरे दिल का मुंह फेर लिया है कोशिशों ने अजल का। बैठ जी पूटे लीजिए और घायल वीर का इलाज कीजिए। बस महाराज समझिए इलाज हो गया, लक्ष्मण जी अभी सेहत खराब हो जाएंगे। लक्ष्मण दीजिए महाराज, लक्ष्मण जी अभी होश में आ जाएंगे। भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण आगे तो खोलो। हाँ भाई, भाई हाँ भाई, बोल सियावर रामचंद्र महाराज।